Hey you guys, what's up? Meenakshi here. Welcome or welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. In today's video, we are going to talk about the world famous Canadian skincare brand, The Ordinary. If you guys are into actives and acid-based skincare, then this brand needs no introduction to you whatsoever. Now, ये एक ऐसा brand है जो कि famous है अपनी fragrance-free clinical formulations के लिए, जिनके products बहुत अच्छे होते हैं. And they have got a whole line and variety of products right from eye serums to moisturizers to chemical exfoliators. And whatnot, बहुत सी चीजें हैं. अभी भी मुझे बहुत सारी ट्राई करनी है, बट फिलहाल आज के वीडियो में मैं सिर्फ चार प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने सिर्फ इन्हीं को ट्राई किया है, तो मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाली हूँ. कुछ मुझे अच्छे लगे और कुछ मुझे अच्छे नहीं लगे, जिन्हें मैं दोबारा नहीं खरीदूंगी, और ऑनेस्टली अपना पूरा एक्सपीरियंस सम अप करके आपको आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ. सो आई होप यू गाइस आर इंटरेस्टेड, एंड इफ यू आर देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. All right, so let's begin with the very first product that did not work for me and which I will not buy again. This is their salicylic acid 2% solution. It is a product जो कि अगर उनके पास 25 प्रोडक्ट हैं या 30 प्रोडक्ट हैं तो डेफिनेटली उनके टॉप 3 या टॉप 5 के लिस्ट में ये प्रोडक्ट आता है, और 95% लोग इसके बारे में पॉजिटिव रिव्यूज ही लिखते हैं ऑल ओवर. मैंने भी जितने लोगों से सुना था, काफी मैंने ऐसे स्किन ट्रांसफॉर्मेशन रील्स और शॉर्ट्स और वीडियोज देखे थे लोगों के इंस्टा पे यूट्यूब पे, के कैसे इस प्रोडक्ट ने उनकी जिंदगी बदल दी है, उनकी स्किन एकदम से ट्रांसफॉर्म कर दी है. बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, एंड पता नहीं ऐसा क्यों हो सकता है, मेरी स्किन में कुछ इश्यू था, बट दिस प्रोडक्ट डिड नॉट वर्क फॉर मी. नाउ मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत पहले से सुना था, लेकिन इसलिए नहीं लिया था. नाउ इसका जो पुराना वाला फॉर्मुलेशन था, जो ओल्ड फॉर्मुलेशन था, उसमें एक जो एक पेनिट्रेशन एनहांसर उन्होंने यूज़ किया था, वो एक पोटेंशियल स्किन इरिटेंट है, और मेरी स्किन सेंसिटिव है तो इसलिए मैं अवॉइड करी थी. दूसरा, उसमें उसके साथ साथ विच हेजल भी था, जो कि सब लोगों को सूट नहीं करता है. नाउ कुछ महीने पहले लकीली ब्रांड ने अपना फॉर्मुलेशन रिवाइज किया, और अब नए वाले फॉर्मुलेशन में दे हैव नॉट ओनली यू नो रिमूव दोज टू, बट दे हैव ऑल्सो रिप्लेस्ड इट बाय अ मच मोर जेंटल सर्फेक्टेंट, विच मेक्स द सॉल्यूशन वेरी मच यू नो बिगिनर कंपैटिबल एंड वेरी वेरी स्टेबल, वेरी वेरी यू नो ईजियर फॉर समबडी हैविंग एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन टाइप टू यूज. तो टेक्निकली ये प्रोडक्ट मुझे फ़ायदा करना चाहिए था, लेकिन इस प्रोडक्ट ने मेरे लिए वर्क नहीं करा. मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी एक्ने बढ़ गई इसको यूज़ करके, लेकिन रिड्यूस भी नहीं हुई, और ऐसा नहीं कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम एक्ने पिंपल्स पे इसको ट्राई किया था. मेरे बिल्कुल जो बिल्कुल एकदम टाइनी बम्प्स जैसे होते हैं ना, हल्का सा टेक्सचर होता है, उस तक पे भी ये वर्क नहीं कर पाया था. और ये मैं इम्पल्सिवली नहीं बोल रही हूँ, मैंने 3-4 बार इस प्रोडक्ट को फेयर ट्रायल एक दिया है, बट नन ऑफ द टाइम्स इट वर्क फॉर मी. एंड प्लीज डू नॉट हेट मी फॉर सेइंग दिस, बिकॉज आई नो कि 95% लोगों को ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है, लेकिन मेरे लिए ये प्रोडक्ट वर्क नहीं करा. एंड माई जॉब हियर इज टू बी ट्रूथफुल टू यू गाइज, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. अनदर रीजन विच इज सेकेंडरी कैन बी इग्नोर्ड, बट वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, तो मैं बता दूँ आपको कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है, जब उसको स्किन पे लगाते हैं तो एक जो थोड़ा मिल्की सा इमर्जन जैसा फॉर्म हो जाता है, एक सोपी सोपी सी फीलिंग आती है ना, वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है. मैं चाहती हूँ मेरे जो 2% सैलिसिलिक सोल्यूशन है कम्प्लीटली वाटर बेस्ड सेरम की तरह मेरी स्किन पे एब्जॉर्ब हो और वैसे फील हो मुझे, और कोई भी उस तरह का एसिड अगर मुझे एक मिल्की इमल्जन की तरह बन जाता है, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता स्किन पे लगाने के लिए. एंड जैसे ही मैंने वो एक्सपीरियंस कराना, मैंने मेरे कम्युनिटी टैब पे आप लोगों को पूछा, बिकॉज मुझे लगा कि हो सकता है मेरा प्रोडक्ट कोई बहुत ओल्ड यू नो एक्सपायरी के क्लोज हो या ऐसा कुछ हो, तो बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए. बट सरप्राइजिंगली आप सभी में से एक ने, दो ने नहीं, बल्कि सभी ने बोला कि आप सबके साथ भी ऐसा हुआ है. देन आई एम वेरी श्योर कि ये फॉर्मुलेशन का डिफेक्ट नहीं है, बट दैट्स हाउ दिस प्रोडक्ट इज फॉर्मुलेटेड. बट फॉर मी, फॉर बोथ ऑफ दीज रीजन्स, आई विल नॉट बाई दिस अगेन. Product number 2 is this NMF and Hyaluronic Acid Moisturizer. Now this one is a really good moisturizer, especially for barrier impaired skin. आप इसको एक तो AM PM दोनों time पे use कर सकते हैं. इसमें ऐसा कोई actives नहीं है जो potentially आपकी skin को irritate कर सकें, तो maximum skin types को ये suit ही करेगा. मुझे इसकी consistency भी बहुत पसंद आई, हालांकि इसमें silicone नहीं है, तो इसका texture बिल्कुल वो smoothening silicone velvety सी feeling नहीं देता जब आप इसको लगाते हो तब. थोड़ा सा आपको What's the right word? Naturally बहुत आराम से ग्लाइड तो हो जाएगा, बट सिलिकोनी नहीं लगेगा. वेरी कंफर्टेबल टू वेयर एंड आई थिंक थ्रू आउट द ईयर.
इसकी फॉर्मुलेशन भी उतनी ही अच्छी है और इसके रिजल्ट्स भी उतने अच्छे हैं। इसमें कोई भी ड्राइंग अल्कोहल्स नहीं है, इसमें सिर्फ फैटी अल्कोहल्स हैं और उसके साथ इसमें सेरामाइड्स हैं और बहुत सारे अमीनो एसिड्स भी हैं। तो मुझे लगता है अगर आप अपनी स्किन के बैरियर को प्रोटेक्ट करने के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्किन टाइप अगर एक अच्छी मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हैं तो ये वाला आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। नाउ हैविंग सेड दैट, इसमें बजट एक कंस्ट्रेंट जरूर हो सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं है। लाइक इतनी सी जो ट्यूब है वो 550 रुपए की आती है और मैं पहले भी शायद किसी वीडियो में कह चुकी हूँ कि अगर आप इस ट्यूब को दिन में दोनों दफा लगाएंगे तो शायद 10 दिन ही चलेगा आपको ये प्रोडक्ट। तो अगर बजट आपके लिए कंस्ट्रेंट नहीं है तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एंड आई विल डेफिनेटली नॉट हेजिटेट बाइंग इट अगेन। प्रोडक्ट नंबर 3 इज दिस वन। दिस इज देयर 100% ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड मोरक्कन आर्गन ऑयल। नाउ दिस प्रोडक्ट इज सपोज टू बी यूज्ड ऑन योर हेयर एज वेल एज ऑन योर फेस, दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है। आप जैसे भी इसको यूज करना चाहें, दिन में सिर्फ एक बार लगाएं क्योंकि मोर देन दैट आप थोड़ा ओवरडू कर लेंगे, दैट्स नॉट रिकमेंडेड। नाउ मैंने ऑनेस्टली ये मेरे बालों के लिए लिया था, लेकिन क्योंकि मुझे इतना पता है कि बालों के लिए मोरक्कन आर्गन ऑयल बहुत अच्छा होता है, तो जो हमारे ये ड्राई एंड्स होते हैं इनको रिपेयर करने के लिए, उनका जो क्यूटिकल डैमेज रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैंने प्राइमरली इसको मेरे बालों के लिए लिया था। तो बालों पे इसने अच्छे से काम किया है, लेकिन अगर आप इसे अपने स्किन के लिए लेने के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो मैं ऑनेस्टली आपको बता दूं कि अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन नॉर्मल या ड्राई है तो आपको शायद इससे फायदा होगा, लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव और एक्ने प्रोन है तो बिल्कुल आप के लिए रेकमेंडेड नहीं है। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ब्रांड खुद भी कहता है और आई थिंक फॉर्मुलेशन भी जब आप पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप ऑयली स्किन टाइप फैमिली से हैं या एक्ने प्रोन स्किन टाइप फैमिली से हैं और फिर भी आप अपनी स्किन में एक प्लम्पनेस ऐड करने के लिए कोई फेशियल ऑयल्स यूज़ करना भी चाहते हैं ना, तो आई थिंक द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज टू गो फॉर 100% प्योर स्कोलेन, प्लांट डिराइव्ड स्कोलेन। दैट्स द ओनली वन विच इज द सेफेस्ट। उसका कोई डाउनसाइड नहीं है, सिर्फ अपसाइड ही है और ऑयली स्किन वाले भी उसको आराम से यूज कर सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन थोड़ी ड्राई है और उस पर आपको एक फ्लेकीनेस महसूस होती है तो आप उसको दूर करके थोड़ी सी नरिश स्किन चाहते हैं तो आप दिन में एक बार इसको लगा सकते हैं, स्पेशली अराउंड दिस टाइम ऑफ द ईयर अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन नॉर्मल या ड्राई है तो। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है तो आई थिंक दिस product will not work for you and for that very reason I will not buy this again. However, for hair I do not mind repurchasing it, but yeah, that's how you can make your decision. Fourth and the last product that I tried from this brand is this one. This is their retinol 0.5% that is based in squalene. This is a highly stable and a completely water-free solution of 0.5% pure retinol. Maine is product ko is temptation se kharida tha ki main aise एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स डिस्कवर करना चाहती थी जो कि बिगिनर स्किन फ्रेंडली हो, सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली हो। तो ऐसे में जब मैंने इस रेटिनॉल के साथ स्कोलेन वर्ड पढ़ा तो मुझे लगा स्कोलेन ऑलरेडी इतना सूदिंग होता है नेचर में, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा यू नो उनको सूट करने के लिए अच्छा होगा, इसलिए मैंने इसको मंगाया था। बट मैं आपको एक बात कह दूं कि इसी ब्रांड में अच्छी बात यह है कि तीनों अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में ये प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि अगर आप बिल्कुल स्टार्ट आउट कर रहे हैं, आपको कोई कभी आइडिया ही नहीं है रेटिनॉल वगैरह लगाने का, इफ़ यू आर new to actives also for that matter, तो आप इसी brand में 0.2% वाला आता है same, that is also based in squalene, तो that is the safest. If you're just starting out, go for that one. That is the low strength one. और अगर आप already used to हैं तो same brand में 1% भी आता है, तो आप वो भी use कर सकते हैं, but वो बिल्कुल उनके लिए है जो एकदम pro level के हों। तो ऐसे में ये एक mid moderate strength का है, जो बहुत high नहीं है, बहुत कम नहीं है, तो regular वालों के लिए it might work and बिल्कुल नए लोगों के लिए थोड़ा सा ये ट्रिकी हो सकता है, तो मैं कहूंगी आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। बात करते हैं प्रोडक्ट के प्लसेस के बारे में, तो सबसे पहली बात इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं, स्कोलेन तो इसमें है ही, उसके अलावा होहोबा ऑयल भी है इसमें, तो स्किन के लिए बहुत सूदिंग होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर इसमें जो जैसे स्ट्रेंथ इसमें जो बताई हुई है इस 0.5% प्योर रेटिनॉल, दैट इज क्लिनिकली इक्विवेलेंट टू 0.05% ऑफ ट्रेटिनॉइन, जो कि अगर आप देखेंगे ना, अगर विद दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रेंथ दिस प्रोडक्ट कैन एक्चुअली गिव अ विजिबल रिजल्ट हो, यानी कि आपकी जो फाइन लाइन्स हैं, जो थोड़ी बहुत हमें यहाँ पे लाफ लाइन्स स्माइल लाइन्स बन जाती हैं यहाँ पे, आपको लिटरली उसमें एक यू नो उसकी अपियरेंस थोड़ी सी डिले हो जाएगी कुछ टाइम तक, इतना पावरफुल वो इफेक्ट देती है इफ़ द प्रोडक्ट वर्क्स फॉर यू देन। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत टेम्प्ट नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए इन चीज़ों में, तो फिर भी सेफ साइड तो यही है कि आप 0.2% वाले से स्टार्ट करें, और अगर आपकी स्किन रेटिनॉल को एक्सेप्ट कर चुकी है, उसके लिए
एक एक्सेप्टेंस एस्टैब्लिश कर चुकी है तो फिर ये प्रोडक्ट आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूँ, आई मे नॉट बाय दिस अगेन बिकॉज मैं उतनी ज्यादा ग्रीडी नहीं हूँ। मुझे अभी भी थोड़ा डर ही लगता है मेरी स्किन पे बहुत हाई यू नो कॉन्सेंट्रेशन वाले रेटिनॉल यूज करने के लिए। उसमें प्रोडक्ट की कमी नहीं है, लेकिन मैं मेरी स्किन के हिसाब से अगर मुझे कोई डिसीजन लेना होगा तो मैं 0.2% वाला यूज करूंगी, जो कि मुझे लगता है इक्वली इफेक्टिव होता है। सो देयर इज नथिंग लाइक दैट, बट इफ यू कैन टेक इट देन यू शुड बाय all means go for it. All right, you guys, so this was my entire experience of using these four products by the brand Ordinary, and I hope meri is video se aapko kuch valuable information seekhne ya samajhne ke liye mili hogi. Agar aapne isme se koi bhi product try kiya hai to aapka uske sath kaisa experience tha please mere sath share kijiye comments mein, taki main jaan sakun ya aapne is brand ke aur products use kare hain jo aapke liye fayda ya nuksan, jaisa bhi aapka experience raha hai, please share it with others also through your comments taki hum sabko bhi kuch jankari mile. Agar aaj ka video aapko acha laga to please give me a big fat thumbs up, and if you're new to my channel then please do hit the subscribe button. It costs you nothing, it takes hardly a second, but it helps the YouTube algorithm to know that I am doing some decent job with the channel and with my subscribers. I hope you guys enjoyed this video. I'm gonna see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.